देखिए, मैं कहूंगी कि आज सुबह का शुक्रिया, ईश्वर का शुक्रिया कि आज हमें बलात्कार की नहीं, बलात्कारियों के इनकाउंटर की खबर मिली। और मैं सैल्यूट करती हूँ उन पुलिस वालों को कि उन बलात्कारियों को भागने नहीं दिया। और मुझे लगता है कि मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि आज बच्चियों का ये खबर देख के हौसला बहुत बुलंद होगा, हम सबका हौसला बुलंद हो रहा है। मैं कहूंगी कि अब ये खबर 30 तारीख को, 2 तारीख को, 1 तारीख को, आज भी बंगाल में जिस तरह से लगातार रेप हुए हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 12 साल, तो अब मुझे लगता है ये न्यूज़ होनी चाहिए कि कितनी जल्दी उन रेपिस्टों को फांसी होती है और कितनी जल्दी अगर जो भागने की कोशिश करते हैं उनका इनकाउंटर होता है। मुझे लगता है अब देश की महिलाएं और बच्चियां अब बलात्कारियों की सजा देखना चाहती हैं, जिसकी आज जो पहल हुई है मुझे उसकी बहुत खुशी है। देखिए, मैं फिर कहूंगी जो उन्नाव में घटना हुई, जो आज बंगाल में भी घटना हुई है, लगातार रेप के केस बढ़ रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कि ये रेप की सिर्फ न्यूज़ नहीं हो, बल्कि रेपिस्ट को किस तरह से सजा दी गई, जिस जघन तरीके से वो रेप और हत्या करते हैं, मुझे लगता है उसी जघन तरीके से अब उनको भी मार देने की, उनको सजा देने का वक्त आ चुका है। महिला के प्रति देश प्रदेश सब जगह अपराध बढ़ रहा है, बेतहाशा वृद्धि हो रही है महिला के साथ अपराध में। इस पर लोगों के मन में बड़ा भारी रोष है कि जो उसमें अपराधी हैं उन पर तुरंत कार्रवाई, यहाँ तक कि श्रीमती जया बच्चन ने कहा कि उसको वीर के सुपुर्द कर देना चाहिए। लेकिन इसका उतना भावनात्मक ढंग से नहीं, खूब सख्ती हो, कार्रवाई हो, लेकिन कानून के अंदर ही कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए उसको इनकाउंटर कह के मारा गया तो उसकी जांच तो करके बताना पड़ेगा देश को कि भाई कानून का राज है। हालांकि उत्तर प्रदेश में फिर उन्नाव में जो इसी तरह की घटना घटी, जो जेल से निकला अपराधी और उसको जला दिया, अधजला कर दिया, तो इस तरह से महिलाओं के प्रति देख रहे हैं कि बड़ा भारी अपराध में वृद्धि हो रही है। कारण है कि सख्ती से जो उसको सजा होनी चाहिए, सजा की दर में बहुत कमी है अभी, और देर भी नहीं करना चाहिए। निर्भया कांड में अभी तक फांसी नहीं दी गई कोर्ट के फैसले के बाद भी, तो ये सभी बुझाता है कि लोगों को कानून के से और पुलिस का भय नहीं है। लोग अपराधी निर्भीक होकर के और बेहिचक वो एक अपराध करने में तुले हुए हैं, तो इसलिए इसमें त्वरित न्याय होना चाहिए और सख्ती में कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून के अंदर ही सब काम हो। वैसे तो लोगों की भावना है कि धक्का उसको मार देना चाहिए, मॉब में फेंक देना चाहिए, इस सभी तरह की के बयान सुने गए हैं, लेकिन किसी भी हालत में अंततः कानून का राज ही चलना चाहिए। हैदराबाद में जो इनकाउंटर हुआ कितना सही है वो? अब हैदराबाद में तो कोई जांचे करके ना बताएगा, जो सही में भाग रहा था तो पुलिस को गोली चलाने का हक है, लेकिन क्या है उसमें तो ऐसे नहीं कहा जा सकता। सो मोटो लोग का सेंटीमेंट तो उस खिलाफ जरूर है, अपराधियों के खिलाफ, लेकिन कानून के तहत ही सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हैदराबाद की जो डॉक्टर बेटी है, उनके जो आरोपी थे एनकाउंटर में आज मारे गए, जो क्राइम सीन था वहाँ पर रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहे थे, उस एनकाउंटर में सबको मारा गया। मैं तेलंगाना पुलिस को इस कार्रवाई के लिए बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। देखिए, इन दुष्कर्मियों ने अपराधी का रूप लेकर पुलिस को धोखा देने की कोशिश की। संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में पुलिस ने जो कदम उठाया उसे मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। ऐसे ही पूरे देश में आक्रोश और निराशा दोनों का भाव था कि इस घटना के इतने दिनों के बाद भी उस पीड़िता को आंशिक न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। आज इस घटना के बाद उस पीड़िता को कम से कम आंशिक न्याय मिला। इसके दो संदेश गए हैं, एक तो इस देश में खुशी की लहर है कि ऐसे दुष्कर्मियों को पुलिस ने सजा दी, दूसरा अपराध जगत को भी एक संदेश है कि ऐसी घटनाएं घटेंगी तो कानून, पुलिस और सरकारें अपने तरीके से काम करेंगी, वो न्याय कानून की आड़ में उन्हें बचने नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार से वे भागने की कोशिश कर रहे थे उसमें इस पुलिस के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जो लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं,
वे अपेक्षित लोग हैं। जब हैदराबाद में आतंकवादी भी मारा जाता है तो वे इस तरह का सवाल खड़ा करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनके पास ऐसा कौन सा दूरबीन है अपने पंच सितारे घरों में बैठकर पुलिस की कार्रवाई पर आलोचनात्मक व्याख्या कर लेते हैं। जांच एजेंसियों और कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्थाओं पर अविश्वास और भ्रम का माहौल पैदा करने वाले लोगों की घोर भर्त्सना होनी चाहिए। ऐसे लोग ऐसे अपराधियों का मन बढ़ाने का काम करते हैं, उनके विश्वास को बढ़ाने का काम करते हैं और समाज के निर्दोष लोगों के आत्मविश्वास को तोड़ने का काम करते हैं।